वेलकम टू हरीम के संग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हरीम के संग। नई वीडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जितने भी नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। आजकल गर्मियों का सीज़न है तो इसमें मौसम जिस तरह तब्दील हो रहा है, सावन का महीना आ गया है, चिपचिपाहट वाला महीना आ गया है, जिस जहाँ पर हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ये डैमेज करता है, वहाँ पर हमारे जो बाल हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो बाल जो है अक्सर लड़कियाँ और ख़वातीन ये शिकायत करती हुई नज़र आती है कि हमारे बाल टूट रहे हैं, जड़ रहे हैं और जड़ों से निकल रहे हैं, बेजान हो गए हैं, दो मुंह वाले हो गए हैं। तो आज मैं आपको घर में एक ऐसा ऑयल बनाने का तरीका बताऊँगी जो बिल्कुल नेचुरल है और इससे आपके बाल जो हैं बिल्कुल मजबूत, घने और लंबे भी होंगे। क्योंकि मार्केट में जितने भी ऑयल हैं, जो शैम्पू हैं, वो जितने भी हैं वो केमिकल से भरपूर होते हैं और इनके इस्तेमाल करने से बाल जो हैं वो ज़्यादा ख़राब होते हैं। आपने इस तेल को बनाने के लिए जिन आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो नोट डाउन कर लें। सबसे पहले नारियल का तेल चाहिए आपको 200 मिलीलीटर, बादाम चाहिए आपको 15 से 20 अदद, कड़ी पत्ती आपको चाहिए 10 से 15 अदद, कैस्टर ऑयल आपको चाहिए 20 मिलीलीटर। आप इसको बनाना किस तरीके से है, एक बर्तन में नारियल का तेल डालें और इसे चूल्हे पर रख दें। जब तेल गर्म होने लगे तो इसमें आपने जो बादाम है 15 से 20, उनको पहले दरदरा सा बना लें, थोड़ा सा पीस लें, और कड़ी पत्ते जो हैं इन दोनों को शामिल कर लें। दोनों को शामिल करके हल्की आंच पर इसको रख दें और जब तक ये ब्राउन ना हो तब तक इसको पकाएं। जब ये ब्राउन हो जाए तो इन चूल्हे से तेल को उतार लें, तेल को छलनी की मदद से छान लें और जब ये ठंडा हो जाए तेल तो इसमें आपने क्या करना है, कैस्टर ऑयल मिक्स कर लेना है। कैस्टर ऑयल को मिक्स करने के बाद इसको किसी भी बोतल में या जार में भर के रख लें। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि रात को आपने सोने से पहले अपने सर पे लगाकर इसको अच्छे तरीके से इसकी मालिश करें, अपने स्कैल्प पे लगाएं, बालों को लगाएं और सुबह उठ के किसी भी अच्छे से शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लें। अगर आपकी सर की स्किन जो है वो चिकनी है, ऑयली है, तो आपने 5 या 6 घंटे पहले इस तेल को लगाना है और 5 या 6 घंटे बाद अपने सर को वॉश कर लेना है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि हफ्ते में इसको 2 बार लाजमी इस्तेमाल करें और लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करें, लकड़ी की कंघी से अपने बालों की कंघी करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।